सॉरी गाइस, ये ब्लॉग मैं अपलोड करना भूल गई थी तो इसीलिए, बट मैं इसको अपलोड करना चाहती हूँ तो इसको हम अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये रैंडम ब्लॉग था, मेरे दिमाग से निकल गया, बिल्कुल स्किप हो गया, क्योंकि पहले मैंने राखी का ब्लॉग डाल दिया, फिर जन्माष्टमी का, तो मतलब वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था। तो चलिए फटाफट चलते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ लेके अपना नया ब्लॉग, जैसे कि अभी मैं माइके आई हुई हूँ तो राखी के उससे, तो यहाँ मैं अपना पूरा रूम साफ कर रही हूँ। मेरा भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये मैं स्टैंड पूरा अपना क्लीन कर रही हूँ। हमारा कबाड़ निकल चुका है ऑलरेडी, तो पूरा रूम अच्छे से भी क्लीन करना है। और इसको एक काम बोला है, एक काम करने के बजाय यहाँ पड़ा हुआ है बस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी गाइस फॉर द लाइटिंग। माइके आने के बाद महाराज इसका एक ही काम, वो है साफ सफाई। मैं तो पर्सनली इसको इसलिए बुलाता हूँ। हाँ, तू बुलाता है मुझे, क्यों नहीं? तो तुझे क्या लगता है, मैं तेरे को वैसे ही याद करता हूँ, मैं तो पूछता रहता हूँ कब आएगी कब आएगी, मेरा काम कम हो जाता है ना। सो गाइस, इसने बहुत कोशिश कर दिया मुझे भी काम देने की, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया अभी तक। ये मेरा प्रिविलेज है और मैं काम करूंगा अभी। लेट्स सी क्या लेगा तुम्हारा काम में। लेट्स सी। तो गाइस, वैसे तो हमने मेजर इसको काम करने के लिए बुलाया, लेकिन ऑन ओकेजन कल राखी भी है, कल परसों जो भी है, मतलब 30-31, तो हमने सोचा साथ साथ वो भी निपट जाएगा। बाकी काम के लिए वैसे मेन बुलाया इसको, है नहीं, बड़ा बदले में दिहाड़ी इनको यहाँ से मिल जाएगी आटा चावल। बकवास काम कर, गंदे लोग है गाइस, आप देख सकते हो। मतलब मम्मी के पास तो इतना काम है, बट ये आदमी इतना फालतू है कि इससे ये मतलब सफाई नहीं होती घर की, इतना गंदा बना के रखा हुआ है इसने सब कुछ। ये आदमी मेरी मम्मी से डांट खाते हुए। सो ये मेरा रूम है, अगर आपको याद होगा तो वो डंडा यहीं पे है। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये पिटने को तैयार है। चुप। कल तुम कह रहे ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे को गर्म लग रहा था आपको, मेरे को पूरे शादी के कपड़े, और ये हमारा हॉल फिलहाल, सारे कमरे। चल भाग यहाँ से, मेरे कमरे की तो दियो। और ये यहाँ पे रूम की सफाई होते हुए, ये मैंने साफ किया है फिलहाल, मतलब इसने किया हुआ था बट मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, इसने ऐसे मतलब वैसे साफ किया था, वैसे फैला रखा था। अभी इसको मैंने आइडिया बताया है, तो ये अच्छे से बेड साफ कर रहा है, मेरे को आता है आइडिया करके रखता हूं मैं। तो बस अभी ये रूम भी हो चुका है, उस रूम में हमने बेड वेड लगा लिया है, ढेर पूरा का पूरा वैसे ही है, बट हमको करना तो पड़ेगा। उसके बाद चलेंगे हम दोनों मेरे रूम पे,
मतलब आज के दिन में ये पूरा घर का खत्म करना है, खत्म करना है, उसके बाद हम करेंगे अपना उस पीछे वाले कमरे पे। भाई का रूम आपने देख ही लिया, अब मेरे रूम की बारी है। सो बेड, बेड चेंज हो रहे हैं तो इस वजह से पूरा सामान निकाला हुआ है, तो बेड लेके आते हैं, उसके बाद पूरा सामान टांच देते हैं। गाइस यहाँ पे दरवाजे पे हमने बेड फंसा लिया है और यहाँ मेरा भाई लगा हुआ है निकालने पे, और हम इसको निकाल के रहेंगे। मैंने इनको पहले ही बोला था कि ये निकलेगा कुछ भी। हाँ बहुत दिमाग लगाया है तुमने, क्यों नहीं बकवास कर रहा है, तब से बोल रही हूँ मम्मी और ये दोनों मिलके नहीं ये नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा करने में लगे थे। लाना ना बिल्कुल ऐसा महाभारत हो रहा है, मेरा भाई कैसे नाप रहा है, वो कैसे आएगा करके अंदर, हाथ से नाप के काम चल रहा है। सो उस रूम से हमने बाहर निकाल दिया है, अब इसको हमने टर्न करना है क्योंकि इसको अंदर यहाँ पे घूमने की जगह नहीं मिल रही थी, तो अभी इस साइड को टर्न होके आएगा। तुषार भैया देख रहे हो? तुषार भैया कुछ नहीं देखते है, तुषार भैया मॉडल है यार, बड़े आदमी है वो, हम सिर्फ टच कर रहे के खड़ी हैं, मैं कुछ नहीं पकड़ा है मैंने, वेट वेट वो मुझे फील हो रहा है, फील हो रहा है, मैंने सिर्फ तुझे सपोर्ट दिया है कि हाँ। पहले से समझाया था मैंने कि ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। रूम मेरा तब भी ठीक हो चुका है लगभग पूरा का पूरा, और अब हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस थोड़ा काम करने के लिए, तो चलिए फटाफट चलते हैं। हम घर आ चुके हैं और मैं बिल्कुल वीडियो बनाने का भूल गई क्योंकि काम पे थोड़ा बिजी थे, और खाते हैं समोसे जो हम लेके आए हैं दिन में 1 बजे, और वही खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। हमारा पार्सल भी आ चुका है, देख लेते हैं क्या है। ओह तो ये वो टॉप है जो मैंने मंगाया था, इसका पूरा लुक जल्दी मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये कुछ मैंने टॉप लिया था। सो गाइस अब हम जा रहे हैं मम्मी की दुकान पे, ये मेरा भाई भी तैयार हो चुका है, तो वहाँ पे मेरे भाई को तो थोड़ा काम है, मार्केट जा रहा है, हम चलेंगे मम्मी के वहाँ दुकान पे बैठने थोड़ी देर ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडिंग होती है इस रोड पे, इसलिए यहाँ पे ब्रेकर्स भी बन रहे हैं। माइके को सॉरी। ओ भाई गर्म हो रही सीट है क्या? इट्स नॉट माय फॉल्ट, कूलिंग लगा थोड़ा है सीटों में। गाइस और यहाँ पे बन रहा है मेरा राखी का आउटफिट, आप देख सकते हो कल राखी और अभी तक ये आधा मतलब आधा भी नहीं हुआ है अभी तक, तो इसको बनने में टाइम लग रहा है। चुके थे घर, उसके बाद मेरा राखी का आउटफिट भी लगभग बनने ही वाला है, उससे जाने वाली हूँ मैं दुकान क्योंकि आज मेरा मेहंदी लगाने का बहुत मन है। मैंने रील देखी थी किसी की इंस्टाग्राम पे जस्ट नाउ, तो मेरा पैरों में मेहंदी लगाने का बहुत मन है, तो फटाफट से मेहंदी लेके आते हैं, अभी तो 5 बजने वाले हैं। बट मेरे को ये डाउट है कि मैं हाथ में भी लगाऊंगी तो मेरे दूसरे हाथ में कौन लगाएगा, तो एक हाथ खाली खाली सा रहेगा, तो देखते हैं कोई मिलता है नहीं मिलता है, तो चलिए फटाफट चलते हैं और लेके आते हैं। हमारे बटर मसाला की तैयारी लगभग हो चुकी है, बस अब मतलब आधा काम हो चुका है, आधा और बचा है। ये बनाया था हमने अपनी नानी के घर पे सांभर, मैंने बनाया था, रहा हमारे घर का पनीर बटर मसाला जो मैंने नानी को भी दे दिया है, थोड़ा तो कम हो गया है। लगेगी हमारी मेहंदी पाँव में, उसके बाद हाथ में।
सो गाइज ये है हमारी मेहंदी जो मेरे हाथों के लिए बिल्कुल नहीं बची, चांस आ गई थी और यहाँ मैंने ये हल कर दिया है। सो गाइज ये था मेरा ब्लॉग, होप को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।